मेरे प्रेसिडेंट साहब जो है, अगर एक रुपए भी हमारे ऊपर कोई एलिगेशन होगी हम प्रूव करके देंगे, वरना हमारे पास सब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबूत है। दुकानदार ने मुझे बुलाया, कहा कि मैंने 17 दिन से अपना दस्तावेज नहीं किया, खाता नहीं खोला। कहने लगा कि गवर्नमेंट ने मुहिम अच्छी चलाई है कि हम ड्रग एडिक्शन के खिलाफ है, मगर मैं ताला ड्रग एडिक्ट बनने वाला हूँ। फूड मंडी के रास्ते इतने खस्ता हो चुके हैं, हालत आप हमारी देख ही रहे हैं। को 10 साल से बेचारों को कुछ मिला नहीं है, 10 साल से लड़ रहे हैं। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से थे, ये हमारे पास आए, बोला हमें ऐसे मसला हल करके दो। मैंने कहा ठीक है, हम हंस मसला हल करके देंगे। इन्होंने बेचारों ने हमें बुलाया। अब बाकी हमें किसी से इख्तलाफ है नहीं, बाकी कोई आएगा हमें दिखाने कि हम कोई 30 मार खाने, हम उससे बड़े 30 मार खाने। हम लोगों के लिए काम करने निकले हैं, हम किसी के पैसे खाने नहीं निकले हैं। किसी को धम नहीं होना चाहिए, किसी प्रेस किसी को आप नहीं दिखाओगे। मैं हर किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूँ, लोगों का काम करो, पैसे मत खाओ, लोगों के जज्बात के साथ मत खेलो। मेरे प्रेसिडेंट साहब जो है, अगर एक रुपए भी हमारे ऊपर कोई एलिगेशन होगी हम प्रूव करके देंगे, वरना हमारे पास सब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबूत है। कोई मुझे 30 मार खान दिखाएगा कि मैं कोई 30 मार खानूं, मैं लोगों के लिए निकला हूं, मैं किसी को 30 मार इनके रोड के लिए मुझे अगर अब सड़क पे भी दिन रात बैठना पड़े, मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूं इनकी सड़क जल्द से जल्द आप ठीक करें। फिर हमें कोई बोलेगा शहरी का ट्रेडर से चैंबर किसी से डरने वाला नहीं। मैं किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर वाइस मेंबर हूं, मुझे कोई धमकी देने आया होगा आई डोंट केयर। मैं किसी से डरने वाला बंदा हूं नहीं, मुझे कोई कुछ बोलेगा मुझे फ्रूट मंडी फुल शहरी बॉडी लेके सड़क पे निकलूंगा। मैं दिखाएगा कि हम 30 बार खाने दीजिए। अगर आज तक ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उन्होंने क्यों नहीं 10 साल कुछ किया? दे दो मुझे, मुझे जवाब दे दो, क्यों नहीं उन्होंने आज से 10 साल तक कुछ इनके लिए किया? अभी वो मुझे दिखाने आएगा, अगर वो दिखाने के लिए 10 साल के लिए कुछ नहीं किया, अभी क्यों नहीं आप? जी सबसे पहले मैं आपको गुजार करना चाहता हूँ, आप जहाँ आए हैं, मैं मोहम्मद यासिन मीर ब्रॉक ट्रेडर्स यूनियन का एक जिंदार होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरी बरादरी यहाँ पे, और इसके बाद मैं शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन यूनियन का बहुत ही मशहूर ममनू, जिनकी वसादत से ये मसला आज इतना उजागर हुआ। पिछले कई सालों से हमें खाली वादे दिए जा रहे हैं कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे, हम रोड ठीक करेंगे। नतीजा यहाँ पे निकला कि मैंने दुकानदार ने मुझे बुलाया, कहा कि मैंने 17 दिन से अपना दस्तावेज नहीं किया, खाता नहीं खोला। मैंने कहा अब क्या कह रहे, कहने लगा कि गवर्नमेंट ने मुहिम अच्छी चलाई है कि हम ड्रग एडिक्शन के खिलाफ है, मगर मैं पहला ड्रग एडिक्ट बनने वाला हूँ। तो मैं मजबूर हो गया अपनी बरादरी को ये कहने पे, आज़राई इंसानियत खुदा के वास्ते आप आइए यहाँ देखिए क्या मामले है। आप जो खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ खड्डे बने, आप किश्तियाँ लाओ यहाँ चलाओ, अगर ऑफ रोड प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाना है यहाँ चलाइए। मैं LG हुकूमत से और खसूसन जो भी सीनियर अथॉरिटीज इससे मुंसलिक है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, SDA VC से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए ये मसला हल करिए। कल को हम सड़क में ना निकले, हम पीसफुल पर सरे, हमारा इस्लाम हमें इंसानियत और अमन पसंदी का दर्ज दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस बारे में कोई स्टेप ना ले, हम रोड पे आए हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाइए, क्योंकि हम बेरोजगारी के ऊपर दौड़ रहे हैं। और मैं यही मुतालबा गवर्नमेंट से कर रहा हूँ, इस टाइम अगर कोई मैग्नमाइजेशन नहीं होगी, हम ये भी जानते हैं, आप खाली इसको एक ड्रेन का जो सिस्टम है ठीक करिए, इसको आगे पंप स्टेशन भी लगाया, और जो खड़े बने इस पे मेटलिंग करिए, एक पानी निकलेगा बारिश का और रोड ठीक हो जाएगा, पब्लिक भी चलने, यहाँ JK Bank सीधे, ये एक्सिस बैंक आया था, ये एक महीने के बाद वापस भाग गए क्योंकि यहाँ रोड सिस्टम ठीक नहीं, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट ना करे। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से अदबन एहतरामन गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते अगर आप देर से जाग जाए मगर जाग जाए, ये मसला हल करे। हमें ये बताइए यहाँ पे लास्ट टाइम मैग्नमाइजेशन कब हो गई थी? आज से 12 साल पहले। तो उसके बाद आज तक आपने किसी से अपील की? हमने 100 बार अपील की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपका मसला हल करेंगे, काम हो जाएगा, मगर इतने ही तक महदूद है, ना काम होता है, ना मैग्नमाइजेशन होती है, ना ड्रेनेज सिस्टम साफ होता है। हमने 3.5 लाख रुपए अपने जेबू से निकाल के एक बार इस ड्रेनेज की सफाई की थी, मगर आगे जो इसका पंप सिस्टम है वो बैठा हुआ है, जो पानी को खींचता वो बदकिस्मती है, गवर्नमेंट उसकी ओर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही है। जो पंपिंग स्टेशन है ये काम कर रहा है? काम बिल्कुल कर रहा है, बाईपास पे लगा हुआ है, ये रोड बाईपास से कनेक्ट कर रही है। आजादपुर मंडी की बात, सबसे एशिया की मंडी पारिमपुरा फ्रूट मंडी का मेन रोड है, आप खुद देखिए JK Bank सीधे है, अंदर बिजनेस करोड़ों का हब है, यहाँ पे करोड़ों का भी हम टैक्स दे रहे हैं। अगर हमने कोई गलती की है, गवर्नमेंट हमें कहे आपकी तरफ से कोई गलती है। मसला क्या है इस पंपिंग स्टेशन में, अगर वहाँ पे वो वर्किंग में है, मसला क्या है, फिर पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हम उससे खुद भी अकल से बालातर बात है कि हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं, अगर कोई मसला है आप हमें
कहिए, हम भी उसमें ताउन पेश करें। मगर मुझे लग रहा है कि ये कोई आसानी सा मसला लिया जा रहा है, समझा जा रहा है कि ये जंगल का कोई सिस्टम है, कि इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने क्या पता अफवाह है कि बात है हमें कहाँ गया 32 करोड़ रुपये इसमें सेंक्शन हुए। अगर 32 करोड़ रुपये उस टाइम यहाँ पर हमारे जी इज़्ज़त कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो बस स्टैंड में आए थे, मैंने रिक्वेस्ट की आप आइए सर हमारी हालत दी, तो उस टाइम SDVC भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में हम इसका काम करेंगे, मगर आज तक वो महीने नहीं आए, हमें खाली वादे दिए जा रहे हैं मगर काम नहीं हो रहा है। आज रोड का मसला ये सियासी मसलों से अखत पर्सेंट 100% सिविलियन मसलों से गोई रोड यपे जामिया मस्जिद शरीफ यहाँ J&K बैंक यहाँ उतन लेडीज जेंट्स सकूल वो तुम चिल्ड्रन सकूल जो बच्चे जनाब तुम्हें वो पान अतन बच्चे नेरान ड्रेन मं फसान बिचारे ड्रेन मं फसान बेन ये क्या गंदगी रूद हून आई ज्यादा अम सी बच्चन तौरान अड़न पे अड़न क्या था बिचार तो यह वो तुम दुकानदार ये बिहत बिल्कुल ठप सुबह शाम बिचार लगभग इथे पे नेरान जबकि अम ब्रो तरह चैनल दुत कश्मीर न्यूज से अक लट दुत बाकी गुलिस्तान तुलमुत बाकी DC साहब तर जनरल DC से आई तमो दप करो ये तुम्हें मामलों मगर वन जबकि मौसमी गर्मा भी अब निकल गया, अब सर्दियां आने वाली हैं, अब ये मैग्नम राइज नहीं होगा इस टाइम, वो तो हमें पता है, फिर भी इसको ये वो तुम कह नियो तो रोड करो तो कनेक्ट पकने खुद बेच ट्रांसपोर्ट कंपनी से सारे मानक योत यप मेन बस अड़ जनरल बस अड़ ये गो मस्जिद शरीफ नमाज ना बुजुर्ग ना सह बिचार अति ग गंद ग तेज पलो वलो बूट वूट ये सह मस्जिद शरीफ मन हम मौजूद थे फ्रूट मंडी पारिमपुरा में, यहाँ के जो मसाइल थे वो आपने देखा, यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इनके मुताले सुनेगी और इनके जो मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम।